क्या आपने कभी 17 लाख रुपए की बिस्किट टेस्ट की है? और क्या आपने कभी हिंदी बोलने वाले रोबोट से बात किया है? और क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है कि जो गोल्ड या सोना हम पहनते हैं अगर उसमें खुशबू आ जाए तो क्या होगा? नमस्कार, मैं सरोज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरोज का फैक्ट ज्ञान में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी को पता होगा कि जो टाइटैनिक जहाज बना था वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और इसमें यात्रियों की संख्या भी काफी थी, परंतु यह जहाज अचानक ही या दुर्भाग्यपूर्ण कहें डूब गया। और जब यह डूबा तो इसमें लगभग सारे यात्री मारे गए। 600 या 700 यात्री ही इसमें बच पाए और उसी में से बच पाया एक बिस्किट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी ये जो बिस्किट है इसका ऑक्शन किया गया था और यह बिस्किट, यकीन नहीं होगा आपको, 17 लाख रुपए में बिका है। जी हाँ, 17 लाख रुपए इस बिस्किट की कीमत बताई गई है। जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है हमेशा ही हम यही कल्पना करते हैं कि विदेशों की टेक्नोलॉजी ही सबसे आगे है, परंतु ऐसा नहीं है। अब भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि रांची के रहने वाले रंजीत श्रीवास्तव जी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो हिंदी में बात करता है। जी हाँ, इस रोबोट का नाम रखा है रशीम, यानी कि रशीम रोबोट जो है वो हिंदी, मराठी, भोजपुरी और अंग्रेजी, ये चार लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से समझती है और बोलती है। यह भावनाओं को भी समझती है और इसे भगवान पर भी विश्वास है। रशीम से आप लोगों की तरह ही बात कर सकते हैं, ये आपके हर सवाल का जवाब दे सकती है। रशीम को बनाने का ख्याल रंजीत जी को 2010 की रोबोट मूवी के बाद आया। विदेशी तकनीकों की तारीफ करने से पहले हम एक बार इसके बारे में जरूर सोच लें। दोस्तों, रामायण का रावण तो आप सबको याद ही होगा, वही रावण जो सीता को हर कर ले गया था और लास्ट में राम के हाथों जिसकी मोक्ष को प्राप्ति हुई थी। परंतु मैं आपको बता दूं कि रावण की जो सोने की लंका थी वह उसके अत्यधिक स्वर्ण प्रेम के कारण ही बनाई गई थी। उसे सोने से इतना ज्यादा प्रेम था कि वह चाहता था कि गोल्ड में या मतलब सोने में खुशबू डाला जा सके। खुशबू डालने का उसका पीछे मकसद था कि सोना जहाँ कहीं भी हो अपने महक से पहचाना जाएगा और उसे तुरंत खोज लिया जाएगा और वो सारे सोने को अपने पास एकत्रित कर लेगा। इसीलिए वो चाहता था कि जितना भी सोना है, जो भी गोल्ड है, वो सब में खुशबू डाल दिया जाए। परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि प्रकृति के लिखे हुए नियम को कोई भी बदल नहीं सकता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए।